तो इसमें यार बात करने वाले एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में जिसका नाम होने वाला है अतिथि देव भव, और इसी के करेंगे रिव्यू पर हम इस इंट्रो के बाद। तो अगर आपको पहले इसकी स्टार कास्ट के बारे में बता दें तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं आदि साई कुमार प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस तेलुगु सिनेमा की तरफ से। फिर बात निकल के आती है इसकी पूरी कहानी क्या है। स्टोरी फोकस करती है कभी नाम के कैरेक्टर के ऊपर जिसको यार मोनोफोबिक नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अकेले नहीं रह सकता है, उसके साथ यार कोई ना कोई चाहिए। अब आगे चल के उसको एक लड़की से प्यार होता है और प्यार हो जाने के बाद उसको इस बीमारी की वजह से कितनी समस्या आती है और आने वाले टाइम में उसकी लव लाइफ कैसे चलेगी, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना हो मूवी को आज रात 9 बजे से सोनी मैक्स पे। पर अगर आप ये बात सुन के देखने प्लान कर रहे हो जाने के बारे में सोच रहे हो तो 2 मिनट यार पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन रहे स्टोरी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिलने वाली है, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी चाहिए तो देखो जो कहानी का जो पूरा पॉइंट था वो चाहे रूटीन हो और एक तरीके से पुराना हो पर उसको जिस तरीके से रखा गया वो आपको फ्रेश लगने वाला है, वो पसंद आने वाला है। और जो रखने का पूरा ब्रांडिंग का तरीका था स्टोरी का वो मुझे पर्सनली यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद स्टोरी का जो पूरा कॉमेडी है वो भी आपको अच्छा लगने वाला है, वो भी काफी हद तक अच्छा लगने वाला है। और ये दोनों चीजें मूवी के लिए प्लस पॉइंट साबित होती हैं क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी को ऑडियंस के सामने रखा जाता है ऑडियंस पक्का स्टोरी से कनेक्ट कर जाती है। अब अगर उसके बाद स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर लें तो चाहे फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ दोनों में यार थोड़ी बहुत लेंथ की प्रॉब्लम लगती है जहां पे मूवी यार थोड़ी बहुत खिंचती हुई दिखाई देती है। जो कैरेक्टर राइटिंग है यार उस पे बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया है स्क्रीन प्ले में, जो एक प्रॉब्लम साबित होती है इस मूवी के लिए क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आप बोर होते हो। स्क्रीन प्ले भी यार थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। और हाँ, कुछ प्लस पॉइंट भी है इस पूरे मूवी की और वो ये है कि यार एक दो जो यहाँ पे सस्पेंस और ट्विस्ट निकल के आते हैं स्टोरी में जिस तरीके से कहानी कई जगह टर्न करती है वो चीज आपको अच्छी लगने वाली है। वहां पे आप सरप्राइज होने वाले हो स्क्रीन प्ले से और मूवी में इंटरेस्ट बनता है। कॉमेडी तो अच्छी थी ही पर जो लव एंगल वाले सारे सीन है वो भी आपको अच्छे लगने वाले हैं, पसंद आने वाले हैं, ये मैं बोलूंगा। वहीं पूरे स्क्रीन प्ले में कैमरा वर्क काफी अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी हद तक अच्छा है पूरे मूवी का। और कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिनमें सिनेमेटोग्राफी हो और लोकेशन सीन हो बहुत ज्यादा प्यारा लगने वाले हैं। और इन सब चीजों के बाद एक और चीज यार प्लस पॉइंट साबित होती है इस मूवी के लिए और वो है इस पूरे मूवी का बीजीएम। और लगभग यार बीजीएम बहुत ज्यादा प्यारा था, पसंद आया मुझे काफी तक, आपको मतलब अच्छा लगने वाला है, कुछ नया सुनने को मिलने वाला है जो एक अच्छा प्लस पॉइंट साबित होता है इमोशनल सीन्स में। अगर बात कर ले इसमें एक्टिंग के बारे में तो आदि साई कुमार का काम यार अच्छा लगने वाला है, पसंद आने वाला है। उनसे अलग जो एक्ट्रेस थी उनके काम भी यार काफी हद तक अच्छा है और आप उनके काम से इम्प्रेस होते हो। उनसे अलग और जो एक्टर और एक्ट्रेस देखने मिलती है पूरे स्टार कास्ट में लगभग सभी काम यार आपको पसंद आएगा। तो ओवरऑल अगर बात कर ले इस पूरे मूवी के बारे में तो मूवी की यार कॉमेडी अच्छी है, जो एक लव एंगल है वो भी आपको पसंद आने वाला है। जो कॉमेडी निकल के आती है एक तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी उस बीमारी की वजह से वो आपको हंसा पाती है। स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत लेंथी है यार पर अगर इस प्रॉब्लम को साइड में रख दे बाकी सारी चीजें यार पसंद आने वाली है, जब आप बोर नहीं होते हो, साथ में बीजीएम अच्छा सुनने को मिलता है पूरे मूवी का और एक्टिंग भी अच्छी है लगभग पूरी मूवी में। तो ओवरऑल यार एक बार जाकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आज रात 9 बजे सोनी मैक्स पे देखने को मिल जाएगी। अगर हिंदी डब के बारे में बताएं तो जो टीजर निकल के आया था उसमें तो अच्छा सुनने को मिल रहा है, पर अगर प्रॉब्लम आती है तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे। अब मिलते हैं वीडियो साथ में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और कहीं भी यार पसंद आई तो लाइक मार देना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो साथ में, बाकी चैनल पर नया सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो।